अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अवर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें उन लोगों तक ताकि ये वीडियो पहुंच सके जो लोग पुर्तगाल में आने का प्लान कर रहे हैं। ये वीडियो हम लोग इमरजेंसी में बना रहे हैं क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ईमेल्स भी हमें आ रही हैं लास्ट वीडियो के बाद, और एक हमारे भाईजान का मैसेज भी आया जो कि रिसेंटली पुर्तगाल मूव करने का उन्होंने प्लान किया, उनके पास फ्रांस का वीज़ा है। कॉमेंट आपको यहाँ दिख जाएगा ऊपर, ये उनका कॉमेंट था कि वो फ्रांस से आना चाह रहे हैं और वो यहाँ पर किसी को नहीं जानते। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि पुर्तगाल में TRC लेने के लिए जो सबसे पहले जो आपको चीज़ रिक्वायर्ड होती है वो होती है हिम्मत और सब्र। उसके बाद अगर आप किसी और यूरोपियन कंट्री से पुर्तगाल में मूव कर रहे हैं तो सबसे पहले जो चीज़ आपने संभाल के रखनी वो अपना बोर्डिंग पास है, क्योंकि वो चीज़ जो है ये प्रूव करेगी कि आप पुर्तगाल में लीगल एंटर हुए हैं। तो वो चीज़ आपने ज़रूर संभाल के रखनी है। और एक और चीज़ आपके जहन नशीन कर दूँ कि यहाँ पर आने से पहले, पुर्तगाल में एंट्री से पहले ही आपको अपनी लिविंग अरेंज करनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पर आकर लिविंग नहीं मिलती। क्योंकि जो कमेंट करने वाले थे और बहुत सारे ईमेल्स करने वाले थे उनका क्वेश्चन ही यही था कि हम लोग किसी को जानते नहीं तो हम लोग लिविंग कैसे ढूंढें। तो मेरी आपको एडवाइस यही है कि फेसबुक पे पुर्तगाल लिविंग इन पुर्तगाल या पुर्तगाल लिविंग या रूम्स इन पुर्तगाल या रूम्स इन लिस्बन, इस तरह के नामों से बहुत सारे फेसबुक पेजेस बने हुए, इनको ज्वाइन करें और अपने रूम की रिक्वेस्ट वहाँ पर पोस्ट करें या लोगों से बात करने की कोशिश करें। क्योंकि यहाँ पर जैसा कि मैंने अपनी पिछली कुछ वीडियोस में बताया भी था, यहाँ पे लिविंग के बहुत ज़्यादा इश्यूज चल रहे हैं। तो लिविंग का जो मसला है वो चल रहा है और आगे भी ये चलेगा, क्योंकि इमिग्रेंट्स की तादाद काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है यहाँ पे और लोग छोड़ते नहीं एक दफ़ा जो घर ले लेते हैं। तो इसलिए लिविंग का अरेंज आपको पहले से करके आना पड़ेगा, वरना आप यहाँ पर आकर या तो होटल्स में रहेंगे या Airbnb पे स्टे करेंगे, जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा कॉस्टली हो जाएगा। और एक और इम्पॉर्टेंट बात ये है कि यहाँ पर आकर आपके पास दो चॉइसेस होती हैं, या तो आप किसी एजेंट को पैसे दे दें, ठीक है, या आप अपना काम किसी लीगल वे के थ्रू, यानी एजेंट्स भी लीगली करते हैं। अब मैं आपको बता देता हूँ कि एजेंट हायर करना यहाँ पे लोग क्यों प्रेफर करते हैं। जो आपको यहाँ पुर्तगाल में एंटर होकर अपने पेपर्स के लिए या TRC की लाइन में लगने के लिए जो आपको चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं, मेन दो चीज़ें होती हैं, मैं इसकी डिटेल में नहीं जा रहा क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। दो मेन चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं, एक NIS होता है और एक NIF होता है। ये एक आपका सोशल सिक्योरिटी नंबर है जो कि NIS है, और एक NIF है जो आपका फाइनेंस नंबर है। अब आपको NIF के लिए, यानी जो कि आपका फाइनेंस नंबर है, उसके लिए आपको किसी पुर्तगीज़ नेशनल की गारंटी की ज़रूरत होती है, और यह काम खुद करना काफ़ी हद तक मुश्किल है, क्योंकि आप सड़क पर जाके या बगैर किसी से जान पहचान बनाए ये काम नहीं कर सकते, कोई आपकी गारंटी नहीं देगा। वो NIF बनाने के लिए जब आपका NIF का पेपर बनता है तो गारंटर के तौर पर किसी पुर्तगीज़ नेशनल का नाम नीचे मैंशन होता है। तो इसलिए लोग एजेंट्स का रुख करते हैं कि एजेंट्स जो हैं वो ये काम आसानी से करवा देंगे हमसे। लेकिन अगर आप एजेंट्स के पास नहीं जाना चाहते तो मैं आपको एक चीज़ रिकमेंड करता हूँ, ये है कि जैसे ही आप पुर्तगाल में आएँ, सबसे पहले तो मेरी आपको रिकमेंडेशन यही, कोशिश करें कि लिस्बन में आएँ, क्योंकि लिस्बन में आपको तादाद पाकिस्तानी इंडियंस बंगाली की बहुत ज़्यादा मिल जाएगी, जो आपसे जिनकी आपकी वाकफियत अगर हो जाएगी तो बहुत आपके लिए इजी होगा कम्युनिकेट करना और आपके लिए चीज़ों को समझना। लेकिन किसी के हाथ में अपने पैसे नहीं देने, किसी पर मतलब कहते हैं ना कि बहुत ज़्यादा भरोसा नहीं करना, यहाँ हर तीसरा बंदा आपको लूटने के लिए बैठा हुआ और तैयार बैठा हुआ। तो अगर आप एजेंट्स के पास नहीं जाना चाहते तो यहाँ पे एक NGO है जो कि इमिग्रेंट्स के लिए काम कर रही है, उनसे आप पूरी पूरी गाइडलाइंस ले सकते हैं, उनके पास अपने लॉयर्स भी हैं जो कि आपको हर तरह से गाइड कर देंगे और आपको हेल्प आउट भी कर सकते हैं। इस ऑर्गेनाइजेशन का नाम है लिस्बन प्रोजेक्ट और ये लिस्बन के सेंटर में लोकेटेड है। लोकेशन आप गूगल मैप पर लिस्बन प्रोजेक्ट का नाम लिख कर ढूंढ सकते हैं। तो मेरी रिकमेंडेशन यही है कि आप इन लोगों के पास जाएँ। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि नहीं भाई, मैंने इन लोगों के पास नहीं जाना, रजिस्टर नहीं करना यहाँ पे, मैंने अपना एजेंट से काम करवाना, तो उसके लिए भी आपको बता दूं कि आपने 200, 250 या मैक्सिमम 300 यूरो से ज़्यादा किसी एजेंट को फाइल लॉक करने का नहीं देना। अब ये जब सारी आपकी चीज़ें पूरी हो जाती हैं, उसके बाद आपको क्या चाहिए होता है, उसके बाद आपको चाहिए होता है एक जॉब ऐसी कि जिसमें आपका कॉन्ट्रैक्ट हो, कॉन्ट्रैक्ट लगा हो और आपके सारे टैक्सेस जाते रहें। और जब फिर आपके फाइल ओपन होने का टाइम आएगा उस टाइम पर आपकी जॉब होनी चाहिए और आपका टैक्स जाता हो उस टाइम भी, कॉन्ट्रैक्ट वाली जॉब उस टाइम भी हो, ठीक है। अगर ये नहीं हो सकता कि हाँ ठीक है आपने 6 महीने काम किया, आपकी लीगल एंट्री है तो 6 टैक्सेस चले गए, जब कार्ड का टाइम आया, बायोमेट्रिक है, आपके पास जॉब नहीं, कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, टैक्स नहीं गया हुआ तो आपको कार्ड मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। आपको जब आपका कार्ड मिलना है उस टाइम पर आपके पास जॉब भी होनी चाहिए, पिछले टैक्सेस भी पूरे होने चाहिए और आपके पास कॉन्ट्रैक्ट वाली जॉब होनी चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये। तो ये चीज़ें आपके पास, जब आपके पास ये पूरा हो जाता है तो उसके बाद जब आपका टाइम आता है TRC का तो यू कैन गेट द TRC ईजिली। ये थोड़ी सी ब्रीफ सी इन्फॉर्मेशन थी, इसके अंदर मैं कुछ गाइडलाइंस ऐड कर दूँ। यहाँ पर आपने किसी को भी जो है ना पैसे नहीं पकड़ाने चीज़ के, जब तक चीज़ आपके हाथ में नहीं है या जब तक आपके को कमिटेड नहीं है कोई आपके साथ। देखिए जो हमें लोग हमसे पूछ रहे हैं वो लोग ऐसे हैं कि जिनका यहाँ पर कोई भी नहीं है, और ऐसे लोगों को बड़ी आसानी से लोग लूटते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है बाकी यूरोपियन कंट्री से आ रहे हैं, अच्छी यूरोपियन कंट्री से आ रहे हैं और यहाँ पर इनके पास इनकी जेब में पैसा है। तो इसलिए कोशिश ये करें कि जिस तरह मैंने आपको बताया है लिस्बन प्रोजेक्ट के नाम से, वहाँ पर जाकर अपना काम करें,
ठीक है, और उनके थ्रू अपना काम करें, मत किसी के हाथ में मतलब लगें, किसी को मत पैसा अपना पकड़ाएं, ये ना हो कि आपके पैसे लुट जाएं, कल को आप लोग फिर ब्लेम करें कि जी हम पुर्तगाल में आके बर्बाद हो गए, हम लोग यहाँ पैसा लुट गया। हम प्रोजेक्ट सिर्फ ये सर्विसेज प्रोवाइड नहीं करता, ये एनजीओ और भी सर्विसेज प्रोवाइड करता है, इसके बारे में मैं डिटेल वीडियो बना दूंगा सेपरेटली ताकि आपको इसके बारे में और ज़्यादा पता हो। फिर से बता रहा हूँ, अपना बोर्डिंग पास आप लोगों ने लाजमी अपने पास रखना है, वो आप इस चीज़ का प्रूफ है कि आपकी लीगल एंट्री है। बाकी सारी चीज़ें आपने देख ली हैं, ये ब्रीफ इंट्रोडक्शन था कि आपने TRC यहाँ पर कैसे लेना है और क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड हैं अगर आप न्यू आ रहे हैं, बेशक यूरोप से आ रहे हैं, बेशक पाकिस्तान से आ रहे हैं, बेशक कहीं से आ रहे हैं। ये थी आज की वीडियो, और नेक्स्ट टाइम के लिए अपना ख्याल रखें। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन और सेंड अस एन ईमेल। अल्लाह हाफिज़।